और एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। नेपाल सीमा से सटने वाले बिहार के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 5.3 की तीव्रता यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। अभी तक की जानकारी ये भी कहती है कि बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि बिहार से सटे भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको याद होगा बीते रविवार को दिल्ली में भी 3.1 तीव्रता का भूकंप पाया था। अब नेपाल से भी ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, तेज झटके महसूस किए गए। जो लोग अपने घरों में थे, जब उन्हें एहसास हुआ कि भूकंप आया है, तो कई सारे ऐसे लोग भी, जो तस्वीर वहां से सामने आई, अपने घरों को छोड़कर बाहर की तरफ, यानी कि खुद को सुरक्षित करने के लिए बाहर भी निकलते हुए दिखाई दिए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है, लेकिन जानकारी ये है कि बहुत ज्यादा नुकसान कोई नहीं हुआ है। लेकिन चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं, उनके पास ज्यादा अपडेट है। चंद्रमोहन, क्या जानकारी, 5.3 तीव्रता का ये भूकंप है, क्या कोई नुकसान भी हुआ होगा इससे? नुकसान की अभी तक खबर सामने नहीं आई है, और जो भूकंप का केंद्र है वो नेपाल के काठमांडू से सटा हुआ एक इलाका है। वहां पर भूकंप का केंद्र जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक है, और जो नेपाल से सटा हुआ जो बिहार का इलाका है, मोतिहारी, बेतिया, गोपगंज और सिवान के साथ साथ बेगूसराय और पटना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 7:25 का वो वक्त था जब ये भूकंप महसूस किया गया, और अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसमें किसी तरह के जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। ठीक है चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।